सो हेलो गाइस, दिस इज अनिक्स। आज के वीडियो में अपन बात करने वाले कि डिफरेंट फायर बटन्स, जो कि थंब फायर बटन है, इंडेक्स फायर बटन है, वो डिफरेंट सिचुएशन में इफेक्टिवली कैसे यूज़ करें। बहुत सारे बंदों को आपने देखा होगा एंड यूट्यूबर्स को भी देखा होगा जो कि दोनों फायर बटन यूज़ करते अलग अलग सिचुएशन में, तो आप भी कैसे यूज़ कर सकते हो। एंड मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं बनाऊंगा, तो यही है वीडियो जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि मैं भी कैसे रूम खेलते समय या फिर क्लासिक में अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग फायर बटन इफेक्टिवली कैसे यूज़ कर लेता हूँ। सो आप भी कैसे यूज़ कर सकते हैं यही बताऊँगा। सो सबसे मेन बात कि अपने 25K सब्सक्राइबर्स होने वाले, बहुत बड़ा माइलस्टोन है मेरे लिए, आपके लिए। सो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया एंड स्टिल दे आर वॉचिंग माई वीडियोज़ रेगुलरली, सो उनको बहुत बड़ा पाप लगेगा। हाँ भाई, तू ही जो कि अभी सुन रहा है कि सब्सक्राइब नहीं किया है एंड उसको अंदर से आ रहा है कि मैं वीडियो तो देख लेता हूँ लेकिन अभी तक मैंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई ऐसा क्यों कर रहा है? जल्दी से अभी के अभी सब्सक्राइब ठोक दे। क्या जा रहा है तेरा? अभी के अभी ठोक ताकि अपने 25K हो जाए एंड उसके बाद धीरे धीरे 50K भी हो जाएंगे जल्दी। अपने सब कुछ सरप्राइज़ वगैरह आएगा एंड देन अपना फेस रील भी खतरनाक वाला होगा एंड तब भाई लाइव स्ट्रीम करेंगे, मज़ा करेंगे पूरा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम अपन बढ़ते हैं अभी पॉइंट्स की तरफ। सबसे पहले सब्सक्राइब अभी कभी ठोक दो एंड लाइक भी ठोक दो। 500 का टारगेट रखा है जो कि कंप्लीट होना चाहिए, जल्दी से ठोको लाइक। तो अगर गाइस, इस पॉइंट में अपन बात करने वाले कि मिस्टेक्स, बहुत सारे बंदे जिनको नॉलेज नहीं रहता है वो बंदे क्या कर लेते हैं, फायर बटन के रिलेटेड बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर लेते हैं। लेकिन मैं हूँ जो कि आपको बताऊंगा कि आपको कौन से मिस्टेक्स नहीं करने चाहिए एंड दोनों फायर बटन इफेक्टिवली कैसे यूज़ करना है। तो मैं अभी आपको इमेजेस के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू आपको मिस्टेक्स बताऊंगा फायर बटन के रिलेटेड एंड बहुत सारे बंदे अभी भी उसको मतलब जान सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि उनके कंट्रोल में अभी भी वो मिस्टेक वो कर रहे हैं। एंड यही भाई, तू ही जो इस वीडियो को देख रहा है अभी देखो कि कंट्रोल में अभी आपकी मिस्टेक है कि नहीं। तो देखो मैं इमेजेस दिखाता हूँ। सो अगर सबसे पहली मिस्टेक जो कि अभी भी आप लोग ट्रेनिंग में नहीं, अपने जो कंट्रोल है उसमें करते हो एंड बहुत सारे बंदे अभी कर रहे हैं करंटली, अभी इस वीडियो देखते भी उनके कंट्रोल में ये मिस्टेक्स है। सो सबसे पहली मिस्टेक है कि बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, एक को बहुत बड़ा, जितना बड़ा हो सकता है एक फायर बटन को बहुत ज़्यादा बड़ा कर लेंगे एंड इंडेक्स फायर बटन का जो पोजीशन है लेफ्ट अपर राइट कॉर्नर, अपर लेफ्ट कॉर्नर, तो वहाँ पे जाके वो रख देंगे एंड दूसरा वाला उसकी जो साइज़ है वो कम करके कहीं पे छुपा देंगे। सो छुपा क्यों रही है, उसको भी दिखा, उसको भी यूज़ करो, छुपा के डालने कहाँ वाले हो, मतलब यूज़ कहाँ पे करने वाले हो। सो ये बात ध्यान में रखो कि ऐसा नहीं करना है एंड दोनों को यूज़ करना है। तो अब बात करते हैं अपन सेकंड मिस्टेक की तरफ। सो सेकंड मिस्टेक में तो हद ही कर देते, एक को बहुत ज़्यादा बड़ा कर लिया एंड दूसरे को तो बहुत ज़्यादा, उससे भी बड़ा कर लेते एंड एक दूसरे में घुसा देते। सो ये भी आपको नहीं करना है। सो यहाँ पे हंसी आ रही, सो आपको ये सब मिस्टेक्स नहीं करने हैं। अब बात करते हैं अपन रियल पॉइंट्स की तरफ, कैसे दोनों को इफेक्टिवली यूज़ करना है अलग अलग सिचुएशंस में। तो पॉइंट नंबर 2 में देखते हैं, आ जाओ। तो यार गाइस, बहुत दिनों से पहले मैं भी इंडेक्स फायर बटन यूज़ करता था एंड कितना ये दंगा कर रहे हैं बच्चे, लाज लज्जा कुछ शर्म बेच के खाए क्या। सो यार गाइस, यहाँ पे दो तरह की फाइट होती है। दो सिचुएशन के बारे में बताऊंगा। सबसे पहली फाइट होती है वो कवर टू कवर फाइट होती है। सो यहाँ पे आपको कैसे फायर बटन यूज़ करना है वो मैं बताता हूँ। अगर मेरी बात करता हो तो मैं कैसे यूज़ करता हूँ, मान लेते हैं कि सामने वाला भी कवर है, मैं भी कवर में, आप सिचुएशन देख सकते हो दोनों कवर में हैं एंड मैं वहाँ पे इंडेक्स फायर बटन ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेसी मैटर नहीं करती है, ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए होती है क्योंकि आपको आपका क्रॉस हेयर सिर्फ कवर के एज जो है या फिर कवर पे रखना है, प्री फायर देना है एंड वो आएगा तो उसको हेड लगेंगे, सो इजी मर जाता है। वहाँ पे एक्यूरेसी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू सेकंड वाला टाइप ऑफ फाइट। सो यहाँ पे ऐसा सीन हो जाता है। एंड गाइस, जो दूसरा टाइप है फाइट का वो रहता है ओपन फाइट, जिसको अपन बोलते हैं दे जिगल फाइट। सो यहाँ पे क्या होता है कि आपका क्रॉस हेयर के प्लेसमेंट, क्रॉस हेयर का हिप पर जो क्रॉस हेयर से छूटता है वो सब की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सो यहाँ पे मैं थंब फायर बटन मोस्टली प्रेफर करता हूँ क्योंकि उससे क्या हो जाता है कि आपका जो स्टेबिलिटी रहता है क्रॉस हेयर का वो नेक्स्ट लेवल चला जाता है। इसलिए आपके जो लॉन्ग रेंज में, मतलब वो बंदा बहुत दूर है लेकिन ओपन में जिगल फाइट ले रहे तो भी वो बंदा ईजिली मर जाएगा हेड के साथ। ये है पावर ऑफ थंब फायर बटन। सो ऐसे में यूज़ करता हूँ दोनों फायर बटन अलग अलग सिचुएशंस में एंड बहुत सारे और भी सिचुएशंस हैं जिनको आपको खुद को एक्सपीरियंस करना होगा, कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ नहीं करना है। एंड अब हर बार गलत यूज़ करोगे तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे इंडेक्स फायर बटन नहीं, थंब फायर बटन यूज़ करना पड़ेगा। सो इसे आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा एंड ये दो सिचुएशन तो मैंने बता दिया। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, यही था आज के इस वीडियो के लिए। एंड अभी तक लाइक नहीं किए तो अभी के भी लाइक कर दो। तू ही भाई, तू ही देख रहा है ना जो, वो उसने अभी तक लाइक
नहीं किया है तो कर दे एंड सब्सक्राइब भी ठोक दो। सो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइज़।